अब उपलब्ध है कोरोना के लिए मुंह से लेने वाली स्वदेशी दवाई, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी लोकार्पण किया एक दवाई का, जो कोरोना के लिए मुंह से लेने वाली दवाई है, उसका नाम है 2-DOX-D-ग्लूकोज। ये दवाई है, देखो अभी तक वैक्सीन उपलब्ध था, मतलब कोरोना नहीं होना चाहिए उसके लिए वैक्सीन दे रहे इंजेक्शन के रूप में। हमारे पास में ऐसी स्पेसिफिक दवा नहीं थी कोरोना होने के बाद में उसके लिए दवाई। तो हमारा जो डिफेंस संरक्षण मंत्रालय जो है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ये रिसर्च करते रहता है और ये बहुत सीक्रेट है, रहस्य मैं रीता वो काम करते रहते बताते नहीं है। और उन्होंने रेड्डीज लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन में इन्होंने ये दवाई का उत्पादन किया, निर्माण किया, 2-DOX-D-ग्लूकोज, 2DG के नाम से पहचानते उसको, 2DG। अब ये दवाई करती क्या है, ये दवाई पुड़ी में मिलती है, पाउडर फॉर्म में मिलेगी, 5.85 ग्राम के एक सैचेट रहेगा, पुड़ी में रहेंगी, और 25 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर करना है। ये दवाई करती क्या है कि ये दवाई लेने के बाद में अपने सेल्स में जहां कोरोना वायरस घुसा हुआ है वो सेल में पर्टिकुलरली वो जाएगी, वो सेल में घुस जाएगी, और वो सेल में घुसने के बाद में कोरोना वायरस का जो मल्टीप्लीकेशन है, डबलिंग है, डबलिंग रेट जो है, गुणाकार जो होते रहता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो मल्टीप्लाई होते रहता है, वो रोक देंगे, क्योंकि उसको वो खाना ही नहीं खाने देंगे, उसका एनर्जी प्रोडक्शन बंद कर दिया। कोरोना वायरस का जब मल्टीप्लीकेशन बंद कर दिया, उसको खाना नहीं दिया, तो कोरोना वायरस वहीं मर गया है। तो ये दवाई जो है, ये पहली दवाई ऐसी है कि मुंह से लेने वाली और ट्रीटमेंट के लिए। हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन क्या करता है कि कोरोना नहीं होना चाहिए इसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है, और एंटीबॉडीज क्या करती है, कोरोना वायरस को उसके साथ में फाइट करती है, उसको उसका जो परिणाम है वो होने देते नहीं अपने बॉडी के ऊपर। ये जो दवाई है कोरोना होने के बाद में दिया जाती है, मतलब ये ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बहुत कारगर होगा ये दवाइयां। और ये दवाई एक नया अध्याय खुलेंगी। क्या होता है कि वैक्सीन कहां काम करता है, एंटीबॉडीज के जरिए, और म्यूटेशन हुआ या नया वेरियंट कोरोना का आ गया तो वैक्सीन काम का नहीं होता। अभी हमने देखा कि वैक्सीन से भी, वैक्सीन के 2 डोज लेने के बावजूद भी बहुत डॉक्टर लोग भी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। तो ये दवाई कोई भी वेरिएंट रहो वो अपने सेल्स में घुसेंगी और वहां वो वायरस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो रोकेंगी। तो कोई भी म्यूटेशन हो, कोई भी वेरिएंट हो जाएगा, उसके लिए काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा अध्याय नया खुल जाएगा और ये दवाई मिड जून में आ जाएंगी, और जो मध्यम केस है और ज्यादा गंभीर केस है उनके लिए बहुत दवाई कारगर रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।